जितने भी साथ में छोटे बच्चे हैं वो हॉल से बाहर जाकर बैठे, मुझे दोबारा नहीं कहना पड़े, जिनके साथ छोटे बच्चे हैं वो हॉल से बाहर जाकर बैठे। चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा मेरे, सतगुरु दीन दयाला। चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा मेरे, सतगुरु दीन दयाला। सिमर 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 नाम जीना, तन मन होवे निहाला। सिमर 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 नाम जीना, तन मन होवे निहाला। ओ सिमर 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 नाम जीवा, तन मन होवे निहाला। तन मन होवे निहाला। चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा मेरे, सतगुरु दीन दयाला। परमेश्वर सतगुरु आपे करणे हारा, पार ब्रह्म परमेश्वर सतगुरु आपे करणे हारा। चरण धूल तेरी से तेरा दिता लिए, पावे नाम सुख तेरा दिता लिए, सुख तेरा दिता लिए। चरण कमल तेरे
साधुना विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज विप्र धेनु सुर और सबसे महत्वपूर्ण बात श्री गोस्वामी जी कहते हैं संत हित लीन मनुज अवतार। वो परात्पर परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम जगदाधार जगन्नाथ जगन नियंता सर्वाधार सर्वेश्वर साधारण हो जाता है, साधारण सा हो जाता है किसके लिए? संत हित। एक भक्त ही है, भक्ति ही है जो भगवान को प्रकट करती है प्रेम। और ये किसी साधारण जन का अनुभव नहीं है। वैष्णवानाम अग्रगण्य भूत भावन भगवान शंकर कहते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। कि वो सर्वत्र परिव्याप्त सत्ता जब दृष्टि का विषय बनती है, श्रवण का विषय बनती है, इन इंद्रियों के आनंद का विषय बनती है, तो कब बनती है? केवल प्रेम देव की कृपा से, प्रेम से बनती है। जिन प्रेम किया तिन ही प्रभ पाया। संत की कृपा से, जैसा मैंने अभी कहा ना कि भगवान जीव को गोद में लेकर विलाप करते हैं, लेकिन उसको संजीवनी तो भक्ति ही आकर देता है। मैं कई बार उदाहरण देता हूं कि विभीषण जी कितनी प्रतिकूल परिस्थिति में भजन करते हैं, लेकिन प्रभु तक भाव पहुंचता कब है? जब हनुमान जी का जीवन में प्रवेश होता है, जब हनुमान जी का आगमन होता है। इस मानव जीवन की सर्वोपरि उपलब्धि संत का संग है, भक्त का संग है। इस मनुष्य मन की वृत्ति को यदि कोई अपनी कृपा से, अपनी अहेतु की कृपा से भगवत चरणों में समाहित करा सकता है, तो वो केवल भक्त का अनुग्रह करा सकता है, वो केवल संत की अकारण कृपा करा सकती है। कथा आप पोथी खोलकर भी पढ़ सकते हैं। और भक्तों का तो ये अनुभव है कि जब कथा किसी अनधिकारी व्यक्ति के मुख से श्रवण की जाती है तो वो कथा अर्थ का अनर्थ कराती है। इसीलिए कथा से भी महत्वपूर्ण कथा का श्रोता और कथा का वक्ता है। कथा कहने वाले का यदि उद्देश्य साधारण हो, कथा कहने वाले का उद्देश्य संसार हो, तो कथा का जो अमृत है, कथा का जो अमृतत्व है, कथा के एक एक शब्द में, कथा के एक एक भाव में मन की वृत्ति को निर्मल करने की जो क्षमता है, कथा का जो अमृतत्व है, वो अंतर्हित हो जाता है, छिप जाता है। श्री शुकदेव जी महाराज जैसा वक्ता हो जो कृष्ण कथा कहता है, किस लिए? आनुकुल्यम कृष्णानुशीलनम। केवल जो श्री कृष्ण के सुख के लिए, जो इस संसार के हित के लिए, जो इस संसार के कल्याण के लिए कहता है। कहने और सुनने वाले दोनों का अपना अपना एक उत्तरदायित्व होता है। कहने वाला इसलिए कहे कि प्रभु के यश का विस्तार हो। जब गोस्वामी जी कहते हैं ना, भाएं कुभाएं अनख आलस हूं, नाम जपत मंगल दिसी दस हूं। जहां प्रभु की कथा होती है, जहां कृष्ण कथा होती है, जहां हरि नाम होता है, वहां का एक एक परमाणु कालांतर में सारी सृष्टि को पवित्र करता है, तीनों लोकों का कल्याण करता है। ये मत समझना कि मैं कह रहा हूं आप सुन रहे हैं तो केवल मुझे और आपको ही लाभ है। ये पूरी सृष्टि का कल्याण करता है।
यदि कहने वाले का उद्देश्य भगवद यश का विस्तार हो और सुनने वाला श्रद्धा से धारण करे और श्रद्धा से धारण करके उसमें विश्वास का जल और डाल दे, विश्वास के जल से उस बीज का, उस भाव के बीज का सिंचन और कर दे, तो निश्चित रूप से प्रेम रूपी फल प्राप्त होता है, रागानु का भक्ति रूपी रस प्राप्त होता है। भगवान के आने का हेतु क्या है? भक्त और भक्ति। जहां से मुझे ये कृष्ण कथा आरंभ करनी है कि आपके और मेरे हृदय में भी भगवान कब आएंगे, क्यों आएंगे, जब आपका और मेरा हेतु भक्त और भक्ति होगा, हमारी भगवान से कामना हो भक्त का संग पाने के लिए और भक्त का संग हो भगवत भक्ति पाने के लिए। प्राय करके लोग तो ये भी नहीं जानते कि संत का सेवन क्यों करना है, संत के पास कैसे जाना है, संत के पास क्यों जाना है और संत से क्या लेकर आना है, संत से क्या पाया जा सकता है। भक्त और भक्ति पुकारते हैं तो भगवान प्रकट होते हैं। आपके और मेरे जीवन में भी जब भक्त और भक्ति हेतु बनेगा तो हृदय मंदिर में भगवान प्रकट होंगे। भजन करोगे तो आनंद आएगा, सुख मिलेगा, भगवान की कथा मीठी लगेगी, प्रिय लगेगी, मन भरेगा नहीं, मन की तृप्ति बढ़ेगी। प्रतिक्षण वर्धमानम, तैल धारावत मन चित्त की समस्त वृत्तियां संसार में रहते हुए भी जिस प्रकार एक नदी उद्गम स्थान से एक ही वृत्ति लिए होती है कि मुझे समुद्र तक पहुंचना है, वो जाने संसार के ऊंचे नीचे मैले कुचैले जाने कितने कितने मार्गों से होकर जाती है, लेकिन उसका उद्देश्य एक है कि मुझे समुद्र तक जाना है। ठीक उसी प्रकार जीवन पता नहीं आपको कहां कहां ले जाएगा, लेकिन यदि संत और सत्संग की कृपा से आपका उद्देश्य स्पष्ट हो गया कि हमको प्रभु के चरणों तक जाना है, हमको प्रभु रूपी उस निर्मल संपत्ति को पाना है, उस भाव संपत्ति को पाना है, तो संसार में हो सकता है कुछ दिन ऐसे आए जब बड़ा आनंद हो, कुछ दिन ऐसे आए जब पीड़ा हो, द्वंद हो, दुख हो, कष्ट हो, क्लेश हो, लेकिन जब आपका उद्देश्य निश्चित हो जाएगा कि कहां जाना है, तो संत कहता है कि हमें ऐसे भी वाह वाह है, हमें वैसे भी वाह वाह है। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं कि जाना कहीं और है। भक्त और भक्ति हेतु हो तो हृदय मंदिर में भगवान प्रकट होते हैं। जब तक आपके मन में सूक्ष्मतम संसार की कोई कामना, सूक्ष्मतम संसार की कोई बात रहेगी, आपको भजन में आनंद नहीं आएगा। भजन में आनंद नहीं आएगा तो आप करोगे लेकिन भजन होगा नहीं, और करोगे तो भाई कभी तो करते करते थकोगे, और जब जीव करते करते थक जाता है ना, तो फिर ये सोचता है कि अरे भजन करने से क्या होता है, भजन करने से कुछ नहीं होता। भजन हो तो भजन करने से वो होता है, जाहि लहे कछु लैन की चाह नहीं में हो, जयति जगत पावन करन प्रेम बरन यह दो। कि जिसको प्राप्त कर लेने के बाद कोई कामना नहीं बचती, कुछ पाना शेष नहीं रह जाता। हमारे वृंदावन के ब्रज के संत कहते हैं कि हमारे ठाकुर जी की कृपा ऐसी है, कभी 56 भोग और कभी सूखा चना, कभी 56 भोग और कभी सूखा चना,